नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सहजानंद विद्यालय के द्वारा आयोजित डिजिटल एजुकेशन श्रेणी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 7 विषय हिंदी में आज हम चौथे पाठ का अभ्यास शुरू करेंगे, जो है एक पत्र के बारे में, वो हम देखेंगे। पाठ 4, देश के नाम संदेश। इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हम लोगों को कुछ सीख दी गई है, जिसके बारे में हमारे देश के लोगों की क्या मेंटालिटी है, क्या हम सोचते हैं, हम अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, हम दूसरे देश के बारे में क्या सोचते हैं, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। बच्चों, मैं यह पाठ आपको दो पार्ट में समझाऊंगी, सिखाऊंगी। जो पहला तास है उसमें हम आधा लेंगे और दूसरे तास में हम आधा लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतों और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाषण, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। बच्चों, यहाँ पे हमें पत्र के बारे में बताया गया है कि पत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। पत्र के माध्यम से हम परिवारजनों को या अपने मित्रों को एक जगह से दूसरी जगह संदेशा भेज सकते हैं, या तो सरकारी दफ्तरों में हम अपनी शिकायत पे है, या सरकारी जो कोई भी कार्य होता है उसमें हम अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आवेदन पहुंचा सकते हैं। पर लेकिन आजकल क्या हो गया है बच्चों, कि हमारे पास सब लोगों के पास मोबाइल है, बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। किसी को संदेशा पहुंचाना है तो हम तुरंत एक कॉल करके कि अपनी बात उधर पहुंचा सकते हैं, लेकिन और तार, ईमेल के द्वारा भी हम अपना संदेशा पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी पत्र का अपना अलग महत्व है। कोई कोई बात क्या होती है कि हम जो सरकारी लेवल है उसमें हमें लेटर ही लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास किसी का नंबर नहीं होता, या तो वो लोग फ्री नहीं होते, इसीलिए हमें या तो ईमेल करना पड़ता है या तो पत्र लिखना पड़ता है। इसीलिए पत्र का अपने स्थान पर अलग ही महत्व दिखाया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनबुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से सन 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख दी गई है कि इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसको हमने मिसाइल मैन का बिरुद दिया गया है। उसका पूरा नाम था डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनबुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन हम लोगों देश के नागरिकों को एक ईमेल लिखा था, जिसमें पूछा गया था कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आपके पास समय है तो यह ईमेल पढ़े और अपने देश को जागृत करें। जिससे क्या होता है, यह ईमेल पढ़ने से हमारे मन में देशाभिमान, हमारे देश के प्रति अभिमान की भावना हो, हमें जो देश के प्रति जो लागनी हमारी लागनी की भावना है, जो उसकी प्रेम भावना है, वहाँ उजागर होती है। अभी हम पत्र शुरू करते हैं। पत्र कहाँ से लिखा गया था? मातृछाया ऊंची शेरी, गांव महसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, ये हर्ष ने अपने मित्र है, यहाँ पे लिखा गया है किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा गया है। किरण ने अपने मित्र हर्ष को यह पत्र लिखा है। नमस्ते, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ भी सकुशल होंगे। कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, हूँ आशा करूँ छू कि वहाँ भी सब हूँ आशा करूँ छू कि त्यां पण बधा सकुशल हशे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। देखो बच्चों, यह बच्चे ने जो किरण है उसने यह ईमेल पढ़ा थे, अभी वह अपने मित्र हर्ष को यह ईमेल प्रेषित कराई, मतलब उस ईमेल के बारे में बता रहा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की
शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? डॉक्टर कलाम है वो पत्र की शुरुआत में ही पूछते हैं कि आपके पास क्या 10 मिनट का समय आपके देश के लिए, अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। यदि हाँ है तो आप इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे वाचो हो तो वाचो, ना वाचो हो तो कसो वांधो नहीं। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते, उसके बाद क्या करते, वह अपने देश के लोगों की क्या सोच है उसके बारे में बताते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, यानी कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार कुछ काम नहीं करती है या निकम्मी है, वो कुछ काम की नहीं है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, तमे कहो छो कि आपका कानून छे एक केवा थई गया छे, जूना थई गया छे। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाते, आप कहते हैं कि जो नगर पालिका के लोग है वो कचरा नहीं उठाए, नगर पालिका छे एक कचरो उठाती नहीं। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, सरकार पे ही दोष डालते हैं कि आप कहते हैं कि फ़ोन, हमारा फ़ोन कभी काम नहीं करता है, नेटवर्क का इश्यू हमेशा रहता है, रेलवे मजाक बन गई है, रेलवे में कुछ काम ही नहीं होता है, एयरलाइंस तो दुनिया में सबसे खराब एयरलाइंस हमारी है, और चिट्ठियाँ अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती, जो चिट्ठी है वो अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाती है, वह हम लोग है वह सरकार पर ही दोष मढ़ते रहते हैं कि ये सरकार ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। आप कहते ही रहते हैं आपने इस बारे में क्या किया कि मात्र आप कहते रहते, मात्र तमें कहो छो परंतु करता कहीं नहीं। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि माने लियो कि कोई व्यक्ति छे ये सिंगापुर जा रहियो छे, एने तमारू नाम आपो अने तमारो चेहरो पण आपो, एवं खाली धारणा करवानी कीधी छे। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि तमे दुनिया ना सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा एयरपोर्ट पर उतरो छो अने सिंगापुर की धरती पर तमे उतरता ते सिगरेट पी अने एनो टुकड़ो छे ए ज्यां त्यां फेंकता नथी अने रस्ता पर के क्या फेंकता नहीं अने स्टोर हो एमां जमता पण नथी। आपको अपने भूमिगत संपर्कों पर रश महसूस होता है, मतलब ईर्ष्या महसूस होती है, गर्व महसूस, ईर्ष्या होती है कि वहाँ पे आप जाते हो तो क्या करते हो, उसके तरीके से रहते हो, उसके ऊपर आपको ईर्ष्या महसूस होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हो, वहाँ पे आचर रोड है उस पर आप कार चलाने का जो टैक्स है वो तकरीबन 60 रुपये, मतलब 60 रुपया तुम इन्हें भरो छो। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते है क्या कहे कि तुम्हें बधूज जो तमें 5 मिनिट करता पर पार्किंग में वधारे कार मुकेली हो तो तमें एनु टिकट पंच कराओ छो, पर तमें आ कहता कहीं नहीं, बधु मात्र करो छो। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करेंगे, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलेंगे। कि दुबई में जारे तमे जाओ छो त्यां सार्वजनिक रूप में रमजान ना दिवसों में तमे कई पण खावानी हिमाकत करशो अने कोशिश पण नहीं करो, अने जारे जिहाद नो समय होय छे त्यारे माथे ओढ्या वगर तमे बहार पण नहीं निकलो। वॉशिंगटन में आप 55 मिली प्रति घंटे के ऊपर से गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते हैं, पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, फला मेरा बाप है। आप जाते
वॉशिंगटन में आप जाते हो वहाँ पे लिखा होता है स्पीड लिमिट, यहाँ भी लिखी होती है, लेकिन हम कोई उसको फॉलो नहीं करते। वहाँ पे आप जाएंगे तो 55 मील प्रति घंटे से जो गाड़ी चलाता है उसके उसके अलावा आप गाड़ी भी वैसे ही चलाएंगे। और सिपाही यानी कि जो पुलिसमैन होता है या तो ट्रैफिक पुलिस होता है उससे आप मुड़कर ये भी नहीं कहते, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, कौन मेरा पिता है, मैं किसका बेटा हूँ, ऐसा भी कुछ भी नहीं करते। એટલે કહેવાનો મતલબ એવું છે કે ન્યા તમે તમારા બધા જ રૂલ્સ ફોલો કરો છો, છે આપણે અહીંયા ભારત આપણા પોતાના દેશમાં એ રૂલ્સ ફોલો કરતા નથી। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। यहाँ पर कहना चाहते कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो समुद्र तट होते हैं उसमें आप खाली नारियल पी के ऐसे गेंदी की तरह उसको खेलते नहीं हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान के पिक नहीं क्यों नहीं थूकते। टोक्यो में आप विदेश में जाते हो तो अच्छे एक नागरिक की तरह बर्ताव करते हो, लेकिन इंडिया में आप अपने देश में ऐसे नागरिक की तरह बर्ताव नहीं करते, जहाँ तहाँ थूक देते हो, नारियल उछालते हो, यहाँ तक कि कूड़ा भी आप जहीं तहीं फेंक देते हो। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र नहीं खरीदते। जाली योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड है, चुटनी कार्ड है, हमारा इलेक्शन कार्ड है, वह वहाँ डुप्लीकेट आप बनवाते नहीं हैं। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। डॉक्टर कलाम यहाँ पे हमें याद दिलाते हैं कि मैं आप लोगों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप ही के बारे में। यहाँ पे हम लोगों की मेंटालिटी के बारे में डॉक्टर कलाम ने बताया कि हम विदेश की धरती पे जब जाते हैं, कई बार विदेश टूर करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, ईर्ष्या होती है कि वाह यह देश कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, यार इंडिया तो देखो कितना डर्टी है, वहाँ पे कितनी गंदगी होती, लेकिन उसे गंदा करने वाले हम सब लोग ही हैं, हम सभी उसे गंदा करते हैं और हम सभी उसे कहते हैं कि यह तो गंदा है। बच्चों यहाँ पे हमारा आधा जो पाठ है वो खत्म होता है, आगे का जो पाठ है जो हमने APJ अब्दुल कलाम ने जो हमें संदेश दिया है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अस्तु, जय स्वामीनारायण।